गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन लाई हूँ। सो जब मैं ये कुंदन का सेट बनाई थी, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, उसमें बहुत लोगों को डाउट हो रहा था ये कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने स्किप कर दिया था आई थिंक ये पार्ट। तो मैं आप लोगों को आज अच्छे से दिखा देती हूँ। बहुत ईजी मेथड है, सिंपल मेथड है। तो यार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो मैंने यहाँ कर दिया है, अब मैं आपको दूसरा स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। तो ये आपने ये अपना जो बीज का जो स्ट्रैंड है वो ले लेना है एंड कनेक्टर को एक बार ऐसे ही रख देना है। तो आपका जो ये तीन चार लाइन का जो ये धागा है ना, इसको पहले तो आपको थोड़ा ग्लू से स्टिक कर लेना है, जिससे ये वन लाइन में जैसे बन जाए, जिससे हमारे इजी हो पास करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा ग्लू से मैं इसको स्टिक कर लूँगी, जिससे थोड़ा सा पतला हो जाए, इनके अंदर से पास कर ले होल के जो कनेक्टर है हमारा उसके। तो यहाँ पर मैं ये इंसर्ट कर दूंगी। देखिए, हमें आपको जो जो होल्स में इंसर्ट करना है आप वो होल्स में कर सकते हो। ये इजी मेथड, ये इजी एक प्रोसेस है जिससे आप अपने ये थ्रेड्स को इजीली डाल सकते हो। ऐसे ही डाल लेने के बाद आपको देखना, बैक साइड में आपको निकाल लेना है, एक बार टर्न करके अपने थ्रेड को दोनों तीनों तरफ आपके बीज के अराउंड। देन अगेन मैं इसको इंसर्ट करूँगी, पीछे से बाहर ला के एक बार अगेन मैं होल से इंसर्ट करूँगी। ईजी है ये मेथड। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा थ्रेड पास नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा और ग्लू उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए, एंड इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी मैं एंड अगेन इंसर्ट कर दूँगी। एंड अब मैं ये देखिए, मैं पास कर लेती हूँ पहले। ऐसे ही अगर आप 5 लेयर्स का भी बना रहे हो तो ऐसे ही इंसर्ट करना है, 3 लेयर्स का, 2 लेयर्स का, जितना भी कर रहे हो आपको ऐसे ही इंसर्ट करना है। एंड ये देखिए, अब ये बैक साइड में आ जाएगा हमारा थ्रेड, वो हम लेटर ऑन स्टिक करेंगे। अगेन अब मैं ये जो तीसरा लाइन है मेरा, तीसरा जो स्ट्रैंड है, उसको इंसर्ट करूँगी कनेक्टर से। अगेन ये वाला साइड करने के लिए हम सबसे पहले ग्लू इंसर्ट करेंगे। ग्लू अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं वापस बता देती हूँ, ये तीन चार जो लाइन है अलग अलग थ्रेड का, इसको हम वन लाइन में कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे वायर से भी, वो होता है ना, पास कर सकते हो, बट वायर से आप एक बार पास करोगे बट आपको फोल्ड करते टाइम अगेन प्रॉब्लम होगा। तो ये ग्लू वाला सबसे ईजी है। ये देखिए, ऐसे मैंने इंसर्ट किया, अगेन मैं रोल करूँगी एंड इंसर्ट कर दूँगी, जैसे सेफ्टी रहता है, क्योंकि ये हैवी सेट्स रहते हैं, इनको हम चाहेंगे नहीं कि ये टूट जाए। तो मैं यहाँ पे 2 बार पास कर दूँगी, जिससे ये थोड़ा सा स्टिफ एंड टाइट रहे। अगेन बैक के साइड में मैंने निकाल लिया है। तो सेकेंड टाइम में भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए, अब हमारा ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। देखिए, अब एकदम इक्वल है। अब बैक के साइड में मैं यहाँ पे ग्लू इंसर्ट करूँगी एंड सारे लाइंस को स्टिक कर दूँगी एंड एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे रख के इसको थोड़ा सेट होने दूँगी, अगेन ऊपर में थोड़ा सा ग्लू इंसर्ट कर दूँगी, जिससे टूटे बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं रहे। एंड इसको इक्वलाइज कर दूँगी एंड सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी। देखिए, इक्वली एकदम कट हो गया। एक्स्ट्रा आप जो थ्रेड है उसको आप देख सकते हो एंड यहाँ पर ये स्टिक होने के लिए आप 10 to 20 मिनट्स आप इसको रख सकते हो, जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। दोनों साइड अब हमारा देखिए इक्वल हो गया है। आई होप आप लोगों के लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड और कोई डाउट नहीं रहा होगा।